बकर ईद पे तो आप कुछ बोलते नहीं और हिंदू धर्म के बारे में आप बहुत बकवास करते हैं, ऐसा कह के लोग मुझे ताना मारते थे। तो कुछ साल पहले मैंने इसका जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया कि भाई मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म के बारे में मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि वही लोग मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे ना जो मुझे अपने जैसा पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो पे कुछ मुस्लिम लोगों के कॉमेंट्स भी आए कि भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमारा धर्म पढ़ के समझें और उसके बारे में बात करें तो हम भी आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। तो फिर मैंने पढ़ा कि भाई कुर्बानी कैसे शुरू हुई, समझा कि कुर्बानी के पीछे का तात्पर्य क्या है, और जो मुझे समझ में आया उसको बताते हुए एक वीडियो बना डाला। अब मुझे तो ये समझ में आया था कि भाई कुर्बानी होती है अपनी किसी अजीज चीज की और उसका मोटा मोटा मुद्दा है अपनी श्रद्धा को दर्शाना। तो कुछ लोगों को तो मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक से मुझे एक ईमेल आई कि भाई वो ईद वेजिटेरियन मनाएंगे। लेकिन फिर सिलसिला शुरू हुआ गंदे कमेंट्स का कि तुम उल्टी खोपड़ी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, जाओ और फिर से पढ़ो। अब इन मामलों को ना तूल पकड़ने में देर नहीं लगती, तो वीडियो तो हमने हटा दिया और फिर मैंने दोबारा से सारी चीज समझने की कोशिश करी। मैंने फिर एक वीडियो बनाया लेकिन अब की बार मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहा कि भाई कुर्बानी का क्या तात्पर्य है, किसकी कुर्बानी दे सकते हैं और किसकी नहीं, और मैंने बात करी सिर्फ दया की कि भाई इस्लाम में भी तो जानवरों के प्रति दया भाव रखने की बात करी गई है, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद जानवरों के प्रति कितनी बारी दया दिखाई है। लेकिन कुर्बानी के लिए ना जाने कितने जानवर इधर से उधर होते हैं जिनकी नुमाइश भी की जाती है, और अगर हम नुमाइश के हादसों को और स्मगलिंग की कुरता को छोड़ भी दें तब भी लाइव एक्सपोर्ट में लाखों जानवर ऐसे तड़पते हैं जैसे दोजख की आग में जल रहे हैं। अब की बार बहुत से लोगों ने हामी भरी कि भाई हाँ जानवरों के प्रति रहमदिल रहे, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। लेकिन फिर सिलसिला शुरू हुआ ट्रोल्स द्वारा उकसाए लोगों के गंदे कॉमेंट्स का, और अब की बार एलिगेशन काफी संजीदा था कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, और जिंदगी में पहली बार मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली। अब समय से पहले तो कौन ही किसको मार सकता है, पर मुझे ये जरूर लगा कि भाई मैं जब इस एक दिन बात करता हूँ तो लोग बदलते कम भड़कते ज्यादा हैं, तो क्यों ना मैं साल के बाकी 364 दिन बात करूं, क्योंकि उसमें भी तो मटन टिक्के के नाम पे 10 करोड़ बकरे अपने देश में काट दिए जाते हैं, और जब मैं वो खाने को मना करता हूं तो चाहे हिंदू हूं या मुस्लिम, बकरे खाने छोड़े ना छोड़े कम से कम धर्म के नाम पे मरने मारने को उतारू नहीं हो जाता। तो ये सब सुनने समझने के बाद भी अगर मेरा कोई हिंदू भाई अपने मीट खाते रहने का कारण बकर ईद बताता है तो मुझे लगता है कि बकर ईद उसका सिर्फ अपना धर्म ना निभाने का, सोए रहने का एक बहाना है, और ऐसे आदमी को फिर मैंने क्या, किसी और ने क्या, कैसे जगाना है।